तो कल का लेक्चर यहाँ पे हमने एंड किया था, z effective is equal to z minus sigma. z क्या है? एटॉमिक नंबर. और सिग्मा क्या है? शिल्डिंग कांस्टेंट, या फिर उसको बोलेंगे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, तो सिग्मा के दोस्तों हमने कुछ वैल्यू याद किए थे, मैंने भी आपको याद कराया. एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा होता है जीरो, दो इलेक्ट्रॉन के लिए पॉइंट, तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वैलेंस शेल देखना पड़ेगा. तो वैलेंस शेल अगर ns और np है तो उसका सिग्मा है 0.35. उसके अंदर जो शेल है, देखो जो लास्ट शेल होता है उसको बोलता है अल्टीमेट शेल, या फिर उसको बोलता है वैलेंस शेल. ठीक, उसके अंदर जो होता है उसको अपने बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेन अल्टीमेट शेल. तो ये पेनल्टीमेट शेल हुआ, इसका सिग्मा है 0.85. और इसके भी आगे जो शेल होगा उसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल, वैलेंस शेल, अल्टीमेट शेल, पेन अल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल. ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना. इसके लिए सिग्मा दोस्तों होता है 1. ये तीन वैल्यू हमें याद रखनी है. और फिर उसके पहले भी हमने याद किया कि दो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है उसके लिए सिग्मा है 0.30, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा तो है ही कुछ. ठीक है, तो ये चार वैल्यू मिनट हमें याद करनी है. अब हम काम शुरू करते हैं. सबसे पहले जेड इफेक्टिव फाइंड करेंगे लिथियम का. तो लिथियम का नंबर है 3. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 1s2 2s1 1s2 2s1. अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसमें से nth शेल. तो nth शेल मतलब लास्ट शेल, लास्ट शेल 2 है, उसके अंदर वाला शेल m-1 हुआ, तो ये nth शेल हुआ और ये n-1 हुआ. nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. बट अब याद रखो, हमने कल जो पढ़ा था कि सिग्मा का मतलब होता है रिपल्जन फोर्स, तो रिपल्जन फोर्स किस पे किसका है, तो हमने पढ़ा था इनर कोर का रिपल्जन, इनर कोर रिपेल कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को. तो एक इलेक्ट्रॉन को हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन पे बाकी सब इलेक्ट्रॉन का कितना रिपल्जन है. तो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से कम कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन जो हमने कम किया उस पे रिपल्जन गिन रहे हैं, वो थोड़ी खुद को रिपेल करेगा. एक पे बाकी सब का रिपल्जन कितना है, तो nth शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसमें से एक कम कर देंगे. तो अभी nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. हम 0 गिनेंगे इसको, मतलब उसमें से कम कर दिया तो 0 है. nth शेल में सिग्मा कितना होता है? तो nth शेल में सिग्मा होता है 0.35. मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है ही नहीं, 0 है. n माइनस 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसमें माइनस नहीं करेंगे, है ना. चलो n माइनस 1 उसका सिग्मा कितना है? 0.85. ये सिग्मा कितना निकल गया है? ये तो 0 हो गया. 8 2 16 1.7 आया है. अब हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों? जेड इफेक्टिव फॉर्मूला क्या है? जेड माइनस जेड कितना है इसका? 3. सिग्मा कितना है? आंसर कितना है? क्लियर हो गया. तो लिथियम का जेड इफेक्टिव का वैल्यू, ये नीट पे नहीं पूछते हैं पर ये नीट पे पूछते हैं, लिथियम का जेड इफेक्टिव कितना है? 1.3. क्लियर. चलो, लिथियम कौन से पीरियड में है? तो लिथियम पीरियड नंबर 2 में. पीरियड नंबर 2 में लिथियम के बगल में कौन है? बेरिलियम. चलो अब बेरिलियम के लिए फाइंड करते हैं. तो बेरिलियम, बेरिलियम का नंबर क्या है बेटा? बेरिलियम का नंबर है 4. कॉन्फिगरेशन होगा ये 1s2 2s2. चलो, ये nth शेल हुआ, ये nth शेल, ये n-1 शेल. nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है. कितने कंसीडर होंगे? 1. 1 को रेफरेंस देना है, तो 1 इनटू 0.35 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. उसके लिए सिग्मा कितना होता है? 0.85. चलो, ये कितना हुआ? 1.7. ये 0.35, ये हुआ 2.05. अब क्या फाइंड करना है? जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है?
जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 4, सिग्मा कितना है 2.05, ये कितना होगा बोलो क्लियर। लिथियम का कितना आया था 1.3, इसका कितना आया, कितना गैप आया 1.65। अच्छा अब हम आगे फाइंड करोगे ना तो इतना ही गैप आया। ओके तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लिथियम का 1.3 है तो बेरिलियम का, तो बोरॉन का कितना है इसमें 0.65 बढ़ा दे, 0.65 बढ़ा दो, तो कार्बन का कितना है 0.65 बढ़ा दे रहा हूँ, और Z इफेक्टिव है क्या, कल मैंने लिखा था बोर्ड पे अगर आपको याद हो नेट अट्रैक्शन, तो नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा, देखो ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, नेट अट्रैक्शन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन पास आया तो रेडियस कम हुआ, हाँ तो इसका मतलब ये हो गया पीरियड में रेडियस कम होगा, बट दिस इज इन जनरल, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज। यस बोलो ये क्लियर। अब हम ग्रुप की बात करते हैं, तो लिथियम के नीचे ग्रुप में आएगा सोडियम, ग्रुप वन में सोडियम, सोडियम का जेड कितना है, सोडियम का नंबर एटॉमिक नंबर 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, तो nth शेल ये हुआ, फिर 3 में से -1 2, तो ये n माइनस वन शेल हुआ, और ये nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एक, हम एक को निकाल देंगे, क्लियर है। अच्छा n माइनस वन में कितने इलेक्ट्रॉन है एक, अरे क्या कह रहे हो भाई, यही गिनना है खत्म, इसमें क्या रिसर्च करना है, एन माइनस वन मतलब टू, टू में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए कितना था 0.85, और एन माइनस टू में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, उसके लिए 1 था, 2 प्लस 8 जा 64 6.4 5 जा 0.4 6.8 कितना है 8.8, क्या है हमें क्या फाइंड करना है, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या होता है फॉर्मूला क्या है, जेड माइनस सिग्मा कितना है, इसमें कोई कैलसी नहीं करना, नीट देने वाले हो कैलसी करना है इसमें 6.8 इंटू 2 इंटू 3 ये सब करना है, कोई लॉग एंटी लॉग मल्टीप्लीकेशन डिविजन किसी के लिए कैलसी जरूरत नहीं, मैं सब सब ऐसे ही करूँगा, कोई भी समय आएगा ऐसे ही हो जाएगा, देखो तुम तो खाली। चलो फिर तो एने का अब याद कर लो जेड इफेक्टिव कितना है, अब पोटेशियम का भी फाइंड करोगे ना घर पे ट्राई करना, 2.2 ही आएगा, तो इसका 1.3 आया तो इसका बढ़ा, तो इसका 1.3 आया, इस तरफ बढ़ रहा है तो इस तरफ घटना चाहिए, तो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव हम ग्रुप एलिमेंट्स के लिए स्टडी नहीं करेंगे, जेड इफेक्टिव ग्रुप एलिमेंट के स्टडी नहीं होगा, क्योंकि पहले 1.3 है, फिर सोडियम का कितना आया, पोटेशियम का भी 2.2 आएगा, तो बढ़ा तो कंटिन्यू बढ़ना चाहिए नहीं, तो इंक्रीज हो रहा है फिर वापस कॉन्स्टेंट हो गया, तो स्टडी नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर, दैट्स यस। तो हमें और एक स्टेटमेंट याद कर लेना है कि फॉर ग्रुप एलिमेंट्स, फॉर
हम जेड फैक्टर का स्टडी नहीं करेंगे। दिया कई पूछते नहीं तो याद रखना। चलो अब हम बात कर रहे हैं कैटायन के लिए, मतलब Na के लिए Z इफेक्टिव कितना है 2.3 है। अब Na प्लस के लिए कितना है, तो अगर Na प्लस के लिए फाइंड करेंगे और अगर इंक्रीज हुआ तो हम ऐसा बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव डिक्रीज होगा। तो इसलिए रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके कैटायन का Z इफेक्टिव फाइंड करते हैं। चलो Na प्लस, अब प्लस हुआ मतलब एटॉमिक नंबर थोड़ी चेंज होगा, एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, क्योंकि Na प्लस का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1 नहीं लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गया अभी तो Na प्लस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अब हमारा nth शेल कौन सा हो गया, अब हमारा nth शेल ये हो गया क्योंकि वो जो लास्ट शेल था वो चला गया, तो nth शेल जो पेनल्टीमेट शेल था वो अल्टीमेट शेल हो गया, और ये हमारा n माइनस वन हुआ, ये nth शेल हुआ, ये n माइनस वन शेल हुआ। nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, nth शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, हम 7 कंसिडर करेंगे इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85 कितना आएंगे 1.7, और ये कितना आया 0.35 टू सा 0.70 1.4, अगर डबल करेंगे तो मतलब 0.35 फोर जाओ तो कितना आता 1.4, इसमें 0.7 ऐड करो तो 2.1 और 2.1 में 2.45, ये टोटल कितना है 3 और 4.05। चलो अब Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है, Z माइनस सिग्मा, Z कितना है 11, सिग्मा कितना है 11 माइनस 4.05 का कितना है 2.2, इसका कितना है अप्रोक्स 7 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर चार्ज बढ़ा तो Z इफेक्टिव क्या होगा, हाँ तो फिर ऐसा स्टेटमेंट लिख देते हैं आप, यार Z effective is proportional to positive charge, तो इसका मतलब ये भी हुआ इनवर्सली होगा ना, क्या अच्छा तो जितना चार्ज ज्यादा उतना Z effective increase, और Z effective increase तो रेडियस decrease, क्योंकि Z effective इस तरफ increase हो रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन मतलब रेडियस कम हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पूछा है Mg plus 2 और Mg, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो Z इफेक्टिव ज्यादा तो रेडियस कम, और अगर S माइनस 2 और S के लिए पूछा है तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना Z इफेक्टिव कम, Z इफेक्टिव कम तो रेडियस इंक्रीज, तो इसका रेडियस, तो कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज का रेडियस डिक्रीज, नेगेटिव चार्ज का रेडियस इंक्रीज। क्लियर हो गया, ये हमने कंप्लीट कर दिया Z इफेक्टिव। अब हम रेडियस स्टार्ट कर सकते हैं, ये लिखा मैंने देखो अभी Z इफेक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, बराबर। और अब ये जो हमने लिखा है ये दो ही केस में फॉलो होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस एंड सेम एलिमेंट विद डिफरेंट चार्ज तभी फॉलो होगा, मतलब ऐसा नहीं है हम किसी भी एलिमेंट का कंपेरिजन किसी भी एलिमेंट से करेंगे तो फॉलो होगा, नहीं, ये तभी फॉलो होगा जब एलिमेंट सेम है चार्ज अलग है, या फिर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, मतलब दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए फॉलो होगा, और एलिमेंट सेम होना चाहिए, चार्ज अलग होना चाहिए तब ये फॉलो होगा। देखो सबसे पहला जैसे मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन माइनस टू, ऑक्सीजन माइनस वन और ऑक्सीजन का चार्ज जीरो, तो इसके लिए फॉलो होगा ये, ठीक, क्योंकि एलिमेंट सेम है सब ऑक्सीजन पर चार्ज अलग है, तो जितना चार्ज नेगेटिव उतना रेडियस क्या होगा इंक्रीज होगा, हाँ। और दूसरा आइसो
इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमारे पास एस सी प्लस 3, एम एन प्लस 7, एस माइनस 2, सी एल माइनस, सी आर प्लस 6, एस सी का नंबर 21 में से 3 निकाल दो 18, 25 में 7 निकाल दो 18, 16 में 2 बढ़ा दो 17 प्लस 1, 24 माइनस 6, सब में इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो हम बोल सकते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना रेडियस ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है एस का, फिर सी एल, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगा, तो उसके बाद कौन आएगा एस सी, फिर सी आर प्लस 6 और फिर बोलो समझ आया। अच्छा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम सी एल माइनस और ओ माइनस को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सी एल है 17 प्लस 1 18, 8 प्लस 2 10, कितना बड़ा गैप है, नहीं कंपेयर कर सकते, तो यहाँ साइड इफेक्टिव लागू नहीं होगा। फिर ऐसे डेट हो मत लिखना कि इसका ज्यादा होता है, ऐसे नहीं होगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक। तो वो जो पॉइंट लिखा था साइड इफेक्टिव प्रपोजल टू पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, वो फॉलो होगा दो केस में, सेम एलिमेंट चार्ज अलग और ऐसे एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम। क्लियरिंग ऑल क्लियर? चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस। अब आपको कोई क्वेश्चन वैसे तो नहीं है और होना चाहिए, तो मैं वो क्वेश्चन भी बोल देता हूँ आपकी तरफ से, वो मैं आंसर भेज देता हूँ कि हमने साइड इफेक्ट भी पढ़ा एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए फाइंड किया और पी के लिए फाइंड किया, जैसे हमने लिथियम के लिए फाइंड किया, पैलेडियम, फिर हमने स्कैंडियम के लिए फाइंड नहीं किया, हमने डायरेक्ट जंप किया इसके लिए बोरॉन मतलब पी ब्लॉक के लिए। अब डी ब्लॉक के लिए फाइंड ऐसे नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, उसमें ऐसा होगा कि सिग्मा और जेड इफेक्टिव दोनों सेम हो जाएगा, मतलब हम नहीं बोल रहे इस तरफ जेड इफेक्टिव क्या हुआ, हमने क्या बोला इंक्रीज, तो नीचे ऐसा डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है, तो उसमें बहुत सारे इरेगुलरिटी है तो इसलिए हमने फाइंड नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, उसका रेडियस स्टडी करने के लिए, क्योंकि रेडियस स्टडी करने के लिए जेड इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि जब हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ा तो रेडियस डिक्रीज, जेड इफेक्टिव घटा तो रेडियस इंक्रीज, तो जेड इफेक्टिव इंपॉर्टेंट टूल है तो हमें फाइंड करना चाहिए, पर उसमें इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा है, क्यों करेंगे फिर फाइंड, इसीलिए हमने डी ब्लॉक के लिए जेड इफेक्टिव फाइंड नहीं किया है, सिग्मा फाइंड नहीं किया है। चलो तो अब आगे बढ़ सकते हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, दैट इज एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या है, वैसे क्वेश्चन नहीं आंसर है, एक एटम जो होता है उसका जो रेडियस है न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। सबसे पहली बात एटम जो है वो इनडिविजिबल है, ऐसा सबसे पहले थॉमसन ने बोला, फिर उधर पढ़ाया, उसने बात करी इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर बोहर आया, उसने बात करी अलग अलग शेल में एनर्जी अलग अलग होती है, वेलोसिटी क्या है, रेडियस क्या है। हमें इतना पता है कि एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अगर हम लिखें H तो H कहीं होता ही नहीं, H H2 फॉर्म में होगा या HCl फॉर्म में होगा या HNO3 फॉर्म में होगा, H कंबाइंड फॉर्म में होता है, कभी H आइसोलेटेड, तो इसका मतलब तो ये होगा एटम का रेडियस फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एटम को तो आइसोलेट कर नहीं सकते, एक अकेला H एटम कुआ तो है, शादी कर लिया सबको स्टेबल होने से शादी करेंगे बच्चे, समझ आ रहा है, तो एटम को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है सबसे पहली बात, और एटम की फिक्स बाउंड्री भी नहीं है, मतलब असल में सोचते इतनी बाउंड्री में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसे सर्कुलर है। तो एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है सेंटर से, जैसे सेंटर में है प्रोटॉन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड शेल ले सकते, तो थर्ड शेल हमारा थर्ड शेल लास्ट है, तो लास्ट शेल जो होगा वो वैलेंस शेल होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एटॉमिक
रेडियस. एटॉमिक रेडियस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट वैलेंस एंड या फिर अल्टीमेट शेल, दिस नोन एज एटॉमिक रेडियस. पर हमने अभी बोला एटम को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे हम, दो एटम को कंबाइन करेंगे. और जो दो एटम को कंबाइन करेंगे वो दोनों एटम सेम होने चाहिए. मतलब अगर हाइड्रोजन का रेडियस फाइंड करना है तो एच सी एल नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ेगा, एच टू. क्योंकि अलग अलग एटम लोगे तो डिस्टेंस अलग अलग होगा ना. तो हमें क्या करना है, एक गोला लिया हाइड्रोजन, दूसरा गोला लिया हाइड्रोजन, दो एटम लिए, दोनों के सेंटर का ये डिस्टेंस हमने फाइंड किया. ये एच है सपोज, ये भी एच है. तो हमने क्या किया, दो एटम को जोड़ दिया. कौन से दो एटम, सेम एटम्स. हाँ तो ये याद रखना, अलग अलग एटम ले लेते हैं और हमने डिस्टेंस फाइंड किया. इस डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, जो हाइड्रोजन के केस में कितना है, हाइड्रोजन के केस में कितना है ये डिस्टेंस, इसका आधा करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो जो है वो एटॉमिक रेडियस है. मतलब 37, इसका 37 होगा. तो हाइड्रोजन का रेडियस कितना है, 37. क्लियर हुआ, यस. बहुत इजी कहानी है, फिर से रिपीट नहीं करूंगा मैं, आपको समझ आ गया होगा. अब ये एटम जब कंबाइन करेंगे तो डिपेंड करता है ये एटम कौन से बॉन्डिंग से कंबाइन हो रहे हैं. हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो एटम पास होंगे, एटम पास होंगे तो डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम तो रेडियस कम होगा. और अगर दोनों एटम में अट्रैक्शन नहीं है तो दूर होंगे, दूर होंगे तो डिस्टेंस तो रेडियस ज्यादा होगा. बहुत ईजी, क्या कर रहे देखो, डिस्टर्ब हो रहा है, मत करो ऐसे, फिर मेरे को आपको भगाना पड़ेगा. यहाँ पर तो समझ आ गया, फिर मैंने ये बोला दो एटम में जो अट्रैक्शन है उससे ही रेडियस डिफाइन होगा. मैं बोलूंगा अट्रैक्शन ज्यादा, रेडियस कम, अट्रैक्शन नहीं है. हाँ, तो इसका मतलब ये पढ़ना पड़ेगा कि दो एटम में कौन सा बॉन्डिंग होता है. हाँ यस, चलो फिर आगे रखता है. तो दोस्तों चार तरह के बॉन्ड इन जनरल रेडियस पढ़ते वक्त हम बोलेंगे दो एटम में चार तरह के अट्रैक्शन होते हैं. सबसे पहला अट्रैक्शन जो है उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का जो रेडियस है उसके पीछे चिपका देंगे कोवेलेंट रेडियस. फिर सेकेंड है आयनिक बॉन्ड बनेगा तो बोलेंगे आयनिक रेडियस, मेटलिक बॉन्ड बनेगा तो बोलेंगे मेटलिक रेडियस, और कुछ भी नहीं हो रहा कोई अट्रैक्शन नहीं है तो वैन डेर वाल्स रेडियस. यस तो रेडियस हटाओ, पहले पढ़ते हैं कि बॉन्ड क्या होता है. तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है सबको पता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. नहीं, हमें में ऐसा बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, जब दो एटम जैसे एच एच के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे. अच्छा ओवरलैप करेंगे इसका मतलब तो ये हुआ कि पास आ जाएंगे. अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ इसका रेडियस सबसे कम होगा. हाँ तो कोवेलेंट रेडियस सबसे कम होता है, क्लियर. इन सब में सबसे कम रेडियस इसका होगा, और ये किस में होता है तो नॉन मेटल्स में. याद कर लेना, दो पॉइंट याद हो गए. कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल पास आ जाएंगे तो रेडियस कम होगा. तो इन सभी रेडियस में सबसे कम रेडियस इसका होगा. और एग्जांपल क्या है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसका रेडियस है कोवेलेंट रेडियस. बाकी फाइंड करने का तरीका वही सेम है, दो एटम लेंगे वो डिस्टेंस फाइंड किया, उस डिस्टेंस को हमने क्या बोला, बॉन्ड लेंथ, इंटरनल डिस्टेंस, उसका क्या किया हाफ, तो जो है वो लेंथ है, सॉरी वो रेडियस है. और जो बॉन्ड होगा उसके आगे लिख देंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस. अब नेक्स्ट आयनिक रेडियस. अब ये ऑलरेडी अभी हमने पढ़ लिया आज कि अगर चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगा. नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो जेड इफेक्टिव घटा, जेड इफेक्टिव घटेगा तो रेडियस
इंक्रीज हो जाएगा। डन है? यस। अब आयन इंग्रेडिएंट्स तो समझ आ गया कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियस कम, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियस ज्यादा। पर सर आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तो बहुत ईजी है, जब कोई एलिमेंट्स, यहाँ पे हमने क्या बोला, ओवर लैपिंग होगा, यहाँ पे बोलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे NaCl में आयनिक बॉन्ड है क्योंकि Na क्या करता है, लूज करता है, Cl क्या करता है, तो लूज करेगा तो Na प्लस हो गया और Cl ने गेन किया तो Cl माइनस हो गया, तो प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कौन सा अट्रैक्शन, कोई भी चार्ज पार्टिकल में जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड में कौन सा अट्रैक्शन है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू याद रखना। चलो फिर सर आपने बताया था इसमें ओवरलैपिंग से रेडियस कम होगा, इसमें क्या होगा, इसमें नहीं बता सकते क्योंकि इसमें चार्ज पे डिपेंड करता है, तो पॉजिटिव ज्यादा रेडियस कम, नेगेटिव ज्यादा रेडियस ज्यादा, तो इसको इन तीन से कंपेयर नहीं, क्यों, क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड करता है, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें दो चार्ज है, चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम, चार्ज घटा तो रेडियस ज्यादा। मेटेलिक रेडियस, अच्छा मेटेलिक रेडियस मतलब मेटेलिक बॉन्ड होगा। अच्छा क्वेश्चन में आंसर है मेटलिक बॉन्ड मेटल पे होगा। अच्छा मेटल कहाँ है, मेटल है एस ब्लॉक में, बीच में डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटल भी है। तो अब मेटलिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो देखो बहुत ही जैसे हमारे पास है कॉपर, तो कॉपर में कॉपर का चार्ज प्लस टू है और दो इलेक्ट्रॉन है, तो मेटलिक बॉन्ड का मतलब द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में जो अट्रैक्शन है ना उसको बोलते हैं हम मेटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें ये पता है मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इज इट सो, पता है ना ये, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए वो कंडक्टर होता है। हाँ ये तो मैं टेंथ में पढ़ा था, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि जैसे कॉपर है तो कॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो मेटल है, तो इसका मतलब मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों में जो अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड। पर इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है, इसमें ओवरलैपिंग, अच्छा ओवरलैप नहीं होता मतलब दूर होंगे, अच्छा दूर होंगे मतलब इससे ये रेडियस ज्यादा होगा, क्लियर है। लास्ट भाई ये किस में होता है, जहां कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ है, जैसे मनन और मनन की सासू माँ, अब मनन को पता नहीं मेरी सासू माँ कौन है, तो इसमें और उसकी सासू माँ में जो अट्रैक्शन है ना उसको बोले गई है, मनन मेरे सर ने मजे ली और हमारे फ्रेंड से भी मेरे मजे ली, नहीं समझा, मतलब किसी भी लिविंग नॉन लिविंग चीजों में जो अट्रैक्शन है, जो दिखता नहीं है पर है, वो भी दिखता नहीं है जो मैंने बोला पर है, उसको बोलते हैं, समझ आ गया। तो इसका एग्जांपल ले लेंगे, केमिस्ट्री में इसका एग्जांपल लिखेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होता है वो ये, या फिर ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, 18 हाँ निथल्ला ग्रुप, बद्दा नवराव बेकार मानसो बद्दा गैस ग्रुप बी2, तो याद रखना ये रेडियस किसका होता है, जो परमानेंट गैस है, परमानेंट गैस का मतलब ग्रुप 18 तो आ ही गया, और साथ में जो नॉन जैसे CCl4 CO2 CH2 पैराडाइक्लोरोबेंजीन, अरे जो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है वो सब नॉन पोलर होते हैं भाई, उनमें जो अट्रैक्शन है वो ये, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो एटम दूर मतलब लेंथ ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ रेडियस सबसे ज्यादा, इसका मतलब सबसे ज्यादा रेडियस ये है, पहले ये आएगा फिर मेटलिक, क्यों सबसे कम है ये, हाँ समझ गुड, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, और ये फाइंड करना है
तो कोवेलेंट होगा उसको डबल कर देंगे तो ये रेडी साथ में एप्रोक्स। फिर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, कोवेलेंट होगा तो वैन डर वाल्स कैसे होगा? अरे दोस्तों जैसे सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल है, सुनो ब्रेक देता हूं दो मिनट का, रुको पहले इतना खत्म करते हैं। सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल है तो इसका ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया, तो इन दोनों में कौन सा बॉन्ड बना? ओवरलैपिंग से बराबर, तो इसका रेडियस क्या है? कोवेलेंट रेडियस। और अगर एक सीएल टू और दूसरा सीएल टू ले लो आप, तो ये सिमेट्रिकल चार्ज जीरो, सिमेट्रिकल चार्ज जीरो। अच्छा तो नॉन पोलर में कौन सा अट्रैक्शन है? तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उसमें दो अट्रैक्शन है, कोवेलेंट अट्रैक्शन भी है, बॉन्ड अट्रैक्शन। समझ आया? और ग्रुप 18 में कोवेलेंट नहीं है, ग्रुप 18 ऐसी ग्रुप 18 में है तो उसमें खाली बॉन्ड वाला रेडियस होगा, और नॉन मेटल में कोवेलेंट भी होगा बॉन्ड वाला। कैसे मैंने समझा दिया? इसमें कोवेलेंट है पर इन दोनों में बॉन्ड वाला।